बीच अदाणी के मुद्दे पर देश के कई शहरों में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट के बाद अदाणी मुद्दा गर्मा गया और विपक्ष ने मामले पर जेपीसी बनाने की मांग की और संसद से सड़क तक अदाणी मुद्दे पर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसकी शुरुआत संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास से हुई, जहां कांग्रेस नेता सेव LIC लिखी हुई तख्तियां लेकर खड़े हो गए, जिसके बाद सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हुआ। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और बैरिकेड पर खड़े होकर प्रदर्शन करते दिखे, तो वहीं लखनऊ में कांग्रेस नेताओं ने मार्च निकाला। कांग्रेस का आरोप है कि अदाणी की वजह से SBI और LIC को नुकसान हुआ, जिसकी जाँच के लिए JPC बनानी चाहिए। यही नहीं, विपक्ष संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लेकिन BJP को विपक्ष की मांग ठीक नहीं लगी। एनी डिमांड फॉर JPC एट द मोमेंट इज मिसकंसीव्ड एंड प्रीमैच्योर। अदाणी केस पर संसद में लगातार हंगामा हो रहा, तो वहीं दूसरी ओर अदाणी पर रिपोर्ट जारी करने वाली अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई। उधर ब्राजील में एक विमान के भीतर खिड़की वाली सीट के लिए महिलाओं के बीच जबरदस्त लड़ाई हो गई। दो परिवारों की महिलाओं में मारामारी का यह वीडियो वायरल हो गया, जिसमें महिलाएं एक दूसरे पर चिल्लाती नजर आईं, यहां तक कि एक दूसरे को चांटा भी मार दिया। ये प्लेन सेल्वाडोर शहर से उड़ान भरने वाला था। उससे पहले एक महिला ने दूसरी महिला से सीटों की अदला बदली के लिए गुजारिश की। सीट तो नहीं बदली गई, ऊपर से दोनों महिलाओं में बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते विमान के भीतर दोनों परिवारों के लोग झगड़े में शामिल हो गए। महिलाएं एक दूसरे के बालों को पकड़कर खींचने लगी। बीच बचाव करने गए क्रू मेंबर की भी किसी ने नहीं सुनी। इस मारपीट में एक महिला के साथ अभद्रता हुई और उसके कपड़े तक उतर गए। 2 घंटे तक इसी तरह विमान के भीतर मारपीट होती रही, फिर 15 यात्रियों को बाहर निकालने के बाद विमान उड़ान भर पाया। इधर राजस्थान के जैसलमेर में कड़ी सुरक्षा के बीच एक्टर सिद्धार्थ और कियारा की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। सिद्धार्थ और कियारा सूर्यगढ़ पैलेस में फेरे लेंगे, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो गई। इसके लिए हाई लेवल सिक्योरिटी में 3 सुरक्षा एजेंसियां लगाई गई। यही नहीं, करीब 65 एकड़ के एरिया में फैले सूर्यगढ़ पैलेस के चारों तरफ कई सुरक्षा कर्मी हथियारों के साथ तैनात किए गए। टोटल सूर्यगढ़ की रोड के दोनों तरफ जो है वो सिक्योरिटी टाइट की गई है। जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में सिद्धार्थ और कियारा 4 जनवरी को पहुंच गए थे, जिसके बाद वहां कार्यक्रम शुरू हो गए। उनकी शादी में शामिल होने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी भी अपने पति आनंद पीरामल के साथ जैसलमेर पहुंची। ईशा अंबानी कियारा आडवाणी की बचपन की दोस्त भी हैं। यही नहीं, सिद्धार्थ और कियारा की शादी में शामिल होने के लिए फिल्म जगत की कई हस्तियां भी जैसलमेर पहुंच गईं। उधर भारत के NSA अजीत डोभाल ने UK के NSA टिम बैरो से मुलाकात की। इस दौरान कुछ देर के लिए UK के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी मौजूद रहे। इस मुलाकात में डोभाल ने खालिस्तान समर्थकों और पाकिस्तान की भारत विरोधी गतिविधियों पर बात की। ये जानकारी UK में भारत के उच्चायोग ने दी और बताया कि भारत ने UK के सामने सख्ती से अपना पक्ष रखा, खासकर पाकिस्तान की भारत के खिलाफ की जाने वाली हरकतों और खालिस्तान के मुद्दे पर। खबर है कि इस बैठक में कुछ देर के लिए ही सही UK के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी आए और उनके सामने ही भारत के NSA ने पाकिस्तान और खालिस्तान पर सीधी बात की, जबकि इससे पहले भारत और UK के बीच व्यापार पर 6 राउंड की बातचीत हो चुकी थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बेहतर होने की उम्मीद है। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।